अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। टाउन प्लानर्स इंडिया ने मनाया 68वां स्थापना दिवस। स्मार्ट सिटी और शहरीकरण की जरूरतों पर विशेषज्ञों के बीच हुई चर्चा। शहरों के विकास और उसकी जरूरतों का आकलन करने वाली संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया ITPI ने शनिवार को अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। वाशी के सिडको प्रदर्शन केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में संस्था ने मुंबई चैप्टर के 50 वर्ष पूरे होने पर भी जश्न मनाया। इस अवसर पर राज्य के प्रशासनिक संस्थानों के मुखिया और तमाम विशेषज्ञ मौजूद थे, जिन्होंने शहरी विकास तथा तकनीकी क्षेत्र की चुनौतियों पर गहन चर्चा की एवं शहरी एवं ग्रामीण विकास तथा जीवन शैली को बेहतर बनाने के उपाय सुझाए। यहाँ मुख्य अतिथि और शहरी मंत्रालय के मुख्य नियोजनकार PSN राव ने PM आवास योजना को वक्त की जरूरत बताते हुए इसकी सफलता और संभावनाओं पर जोर दिया। हमारे देश में शहरीकरण हो रहा है और उसकी वजह से गांव से शहर में लोग आने वाले हैं, पहले भी आते रहे हैं और अब आगे भी आने लगेंगे, तो इसलिए हमको शहरों को अच्छी तरह से सुधारना है, प्लान करना है और इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए काफ़ी धनराशि का भी ज़रूरत है। तो पूरा नवी मुंबई जो है अच्छी तरह से प्लान किया गया है, लेकिन अब नवी मुंबई भी काफ़ी हद तक बस गया है, तो अभी और आगे प्लान करने का ज़रूरत है, तो इसलिए उसके लिए MMRDA वगैरह प्लान कर रहे हैं। तो टाउन प्लानर का एक महत्वपूर्ण रोल है देश को आगे बढ़ाने में, तो इसलिए अगर सारे शहरों में अगर टाउन प्लानिंग अच्छी तरह से करें, जैसे टाउन प्लानर से रिटायर होते रहेंगे तो नया टाउन प्लानर को उसमें शामिल करना चाहिए और अच्छी तरह से गवर्नमेंट जो है फंड्स भी एलोकेट करना चाहिए और 26 स्कूल्स ऑफ टाउन प्लानिंग है हमारे देश में, तो उसमें नए नए स्टूडेंट्स को हम टाउन प्लानिंग में हम ट्रेनिंग देते हैं। और उसके अलावा अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर्स हैं, ये सब यूज़ करके हम टाउन प्लानिंग को और भी बेहतर बना सकते हैं। जैसे विदेशों में जाके देखते हैं तो वहाँ पे शहर बहुत काफ़ी सुंदर है और अच्छी तरह से बनाया गया है, तो ये सब करने के लिए बहुत सारा पैसा का खर्च करने की ज़रूरत है, तो उतना पैसा हमारे देश में नहीं है, तो इसलिए इसमें काफ़ी समय लगेगा। मेरे ख्याल में रफली 9 मिलियन हाउसेस जो है ऑलरेडी प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑलरेडी सैंक्शन हो गए हैं, तो 10 मिलियन हाउसिंग का शॉर्टेज है, तो 10 मिलियन हाउसिंग शॉर्टेज में 9 मिलियन तो ऑलमोस्ट बन गया है, तो और भी बनेंगे, तो मेरे ख्याल में 2022 तक प्रधानमंत्री जी का जो ये ड्रीम है ये हम पूरी कर सकते हैं, ऐसा हमारा उम्मीद है। इस सम्मेलन में आयोजित तकनीकी परिचर्चा सत्र में MIDC, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, नई मुंबई महानगर पालिका समेत कई संस्थानों के चीफ मौजूद थे। यहाँ एयरपोर्ट, सी पोर्ट, स्मार्ट सिटी तथा नागरी विकास से जुड़े मुद्दों पर जानकारियाँ देते हुए उच्च अधिकारियों और विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी। महापौर जयवंत सुतार ने यहाँ टाउन प्लानिंग में शिक्षा ले रहे ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट छात्रों को पुरस्कार भी वितरित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।